गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप अपने घर पे सेफ होंगे। और जैसा कि हम टेंस का जो हमने टॉपिक छेड़ा हुआ है उसके हम प्रेजेंट के जो टेंस हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हमारा टेंस शुरू होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट का यह पहला पार्ट है और हम शुरू करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि हमें जिस तरह पिछली वीडियो पे इतने लाइक मिले हैं, देख रहे हैं, बच्चे होमवर्क करके डाल रहे हैं, कमेंट आ रही है, व्हाट्सएप ग्रुप पे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं डेली, तो इसी प्रकार आप अपना प्यार देते रहें और शुरू करते हैं आज की क्लास पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसा कि वाक्य इसमें जो सेंटेंस है शुरू में लिखा है पास्ट, पास्ट का मतलब होता है भूतकाल, यानी कि हम जो चीज़ें अगर वो एक सेकंड या एक मिनट या एक दिन या एक हफ्ता पहले की है तो वो सब पास्ट के अंदर हमारा जाता है। तो इसकी हम पहचान देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान है वो क्या होती है। अगर हिंदी के वाक्य के अंत में, हमारे हिंदी के जितने वाक्य बनते हैं, अगर उसके अंत में आता है हमारे आ ई ई ई डाला या ता था ते थे ती थी, इस प्रकार के जो वाक्य आते हैं उनकी पहचान हम कर सकते हैं कि यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य है। जैसे उदाहरण ले लेते हैं हम, मैंने लिखा। अब लिखा के अंदर साउंड किसकी आ रही है, आ की। वह साहसी था, इनके पहले की बात है, पास्ट की बात है। तुम्हारे पास कंप्यूटर था, राम वहां गया, वह प्रातः भ्रमण करती थी। तो इस प्रकार हम इन वाक्यों को देखकर पहचान सकते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट के वाक्य है। जैसा हमने प्रेजेंट में किया था कि हर टेंस की जो एक रूल होता है कि उसके पहले हम क्या लगाएंगे, जैसे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, हेल्पिंग वर्ब क्या है उसके अंदर, तो इसके अंदर भी ऐसा ही है और हम करने जा रहे हैं। इसका जो रूल है वाक्य बनाने का वो सब आप अपने कॉपी पेन निकाल लीजिए और उस रूल को साथ के साथ लिखते जाइए। हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल भाषा में आपको बताने की कोशिश करेंगे। पूरे भारत में आप कहीं भी बैठे हैं, आपको ऑनलाइन टीम मंथन की तरफ से जो डाटा प्रोवाइड करवाया जा रहा है। बच्चों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपके स्कूल नहीं लग रहे हैं, कोई बात नहीं, हम यहीं से आपको ऑनलाइन और हर सब्जेक्ट की कोई भी विषय है, वह पहली से लेकर बारहवीं तक का जितना भी हमारा डाटा है, जो भी स्कूल के आपके अंदर बुक्स लगती हैं उनका सभी सिलेबस, सभी विषय वस्तु आपको प्राप्त करवाई जाएगी यहाँ पे ऑनलाइन। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हम इसका नियम, अगर हम सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं तो उसके लिए इसका नियम है, सबसे पहले वाक्य के शुरू में आता है सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट या पर्सन कह सकते हैं इसको, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन या कोई भी नाउन प्रोनाउन जो भी है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं उसका सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। उसके बाद लेते हैं हम यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म, जैसा हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया था, वहाँ पर हम फर्स्ट फॉर्म लेते थे और उसके साथ एस जे एस का प्रयोग करते थे, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना, सिंपल वाक्य बना रहे हैं तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म ले लेंगे। ठीक है, और उसके बाद ले लेते हैं अपना ऑब्जेक्ट और फिर फुल स्टॉप। ये है इसके वाक्य बनाने का, सिंपल वाक्य बनाने का नियम। और इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, सहायक क्रिया, वो होती है सिर्फ, इसके अंदर एक ही हेल्पिंग वर्ब है और वो है हमारी डिड। क्या है, डिड। हाँ, जैसे प्रेजेंट में हमारी डू और डज थी, यहाँ पे सिर्फ एक ही है डिड। और जहां पर भी डिड का प्रयोग होता है आप याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ आपको, डू और डज के बाद जैसे हम पहली फॉर्म का प्रयोग करते हैं, इसी प्रकार डिड के बाद भी हम सेकंड फॉर्म की जगह पहली फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, तो डिड के बाद नेगेटिव सेंटेंस में, इंटरोगेटिव सेंटेंस में, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हम डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का करेंगे। अगर वह वाक्य हमारा सिंपल है, सिंपल सेंटेंस है, तब हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे हम एक वाक्य ले लेते हैं, मैंने पत्र लिखा। अब मैंने क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, पत्र क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, और क्रिया क्या है, हमारी लिखना। ठीक है, तो वाक्य बनाने का नियम क्या है, सबसे पहले क्या लेते हैं हम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मैंने, मैंने का मतलब आई। उसके बाद हिंदी में जब लिखते हैं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब ऐसे आता है, लेकिन जब इंग्लिश में हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लेनी है,
सेकेंड। तो लिखना की जो वर्ब होती है वो होती है राइट, और राइट की सेकेंड फॉर्म राइट रोट, और थर्ड होती है रिटन। तो हम यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे आई रोट। क्या लिखा मैंने, क्या लिखा, पत्र, पत्र मीन्स लेटर, आई रोट अ लेटर हमारा सेंटेंस कंप्लीट। लास्ट में हम फुल स्टॉप लगा देंगे। तो ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, समझ आ गया होगा आपको। आप यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट यूज करके वाक्य बनाएं। उसके बाद हम कर रहे हैं अपना नेगेटिव इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। शुरू करते हैं हम अपना नेगेटिव सेंटेंस, जिनको बोलते हैं नकारात्मक वाक्य या नहीं वाले वाक्य, जैसे मैंने खाना नहीं खाया, उसने पत्र नहीं लिखा, वह वहां नहीं गया। तो इस प्रकार के वाक्य जो होते हैं जिसमें नहीं आता है और पहचान हमारी वही रहती है आ ए ई पीछे दिया दिया लिया कुछ भी आता है ताथा तो थी थी, नहीं वाले वाक्य इसके अंदर ऐड होते हैं। तो इसका जो नियम है, सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, यानी कि कोई भी सिंपल हो या नेगेटिव हो सब्जेक्ट उसके शुरू में रखेंगे। उसके बाद जैसे मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब जो इसकी डिड है, डिड के बाद ही हम डिड नोट लगाते हैं और इसको हम डिडंट भी लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है मैंने बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग डिड के बाद, डज के बाद, डू के बाद कहीं भी आपको दिखाई दे तो उसमें हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म लगती है और उसके बाद लगा देंगे हम अपना ऑब्जेक्ट। तो एक वाक्य देखें, मैंने पत्र नहीं लिखा। तो ये वाक्य है हमारा सिंपल, अभी हमने लिया था उसी का हम नेगेटिव बनाने जा रहे हैं। मैंने पत्र नहीं लिखा, यहां पे शब्द आया है नहीं, तो नहीं के लिए हम सिर्फ नोट नहीं लगाएंगे, उसके साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसका डिड का प्रयोग करेंगे, डिड नॉट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई डिड नॉट, और इसके बाद कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट, यस आई डिड नॉट राइट लेटर, और अंत में लगा देंगे हम अपना फुल स्टॉप। मैंने खाना नहीं खाया, आई डिड नॉट ईट फूड या मील, और उसके बाद फुल स्टॉप। इस प्रकार हम नेगेटिव वाक्य बनाएंगे। तो सिंपल हो गया हमारा, नेगेटिव हो गया, उसके बाद जो आता है हमारा इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव, वो भी हम देख लेते हैं एक बार। तो हम देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, और इसका जो नियम होता है, जैसे हमने सिंपल सेंटेंस किया था सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, इसके अंदर क्या करना है हमने, हमारा जो सिंपल का नियम था सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, उससे पहले यानी कि सब्जेक्ट जो आता है उससे पहले हम डिड का प्रयोग कर देंगे और पीछे फुल स्टॉप की जगह हम क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यह इंटरोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है, तो प्रश्नवाचक वाक्यों में हमेशा पीछे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं हम। तो सिंपल नियम है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वाक्य देख लेते हैं हमने, जैसे अभी जो वाक्य ले रहे थे उसी को कर लेते हैं ताकि सही समझ में आ जाएगा, बाकी हम एक्सरसाइज देंगे उसको आप कर लेंगे। तो जैसे मैंने बोला था कि मैंने पत्र लिखा, मैंने पत्र नहीं लिखा नेगेटिव हो गया था, इसमें क्या करते हैं, क्या शुरू में क्या आता है इसके अंदर, क्या मैंने पत्र लिखा, और पीछे आएगा क्वेश्चन मार्क। तो अगर शुरू में क्या है तो हम क्या लगाएंगे यहां पे, डिड, डिड आई राइट अ लेटर, और पीछे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क, सिंपल है, समझ आया कि हमने क्या करना है, जो हमारा सिंपल का नियम था उसके आगे कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है, इसके आगे डिड लगा देंगे तो वाक्य बन जाएगा हमारा
इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्या इनके क्या से यह वाक्य शुरू होते हैं, क्या उसने पत्र लिखा, क्या वह दिल्ली गया, क्या वह स्कूल जाता था, क्या वह खाना, क्या उसने खाना खाया। तो इस प्रकार के वाक्य जो बनेंगे उसमें हम डिड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और ऑब्जेक्ट, और अंत के अंदर लगा देंगे हम क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही जैसे हमने अगला जो हमारा सेंटेंस है इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव तो है ही लेकिन साथ में क्या है वो नेगेटिव भी है। अब हम नेगेटिव का नियम याद कर लेते हैं कि हमने क्या किया था, पहले सब्जेक्ट था, फिर क्या था हेल्पिंग वर्ब थी, फिर क्या था नोट था, फिर क्या था मेन वर्ब पहली फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। उसके अंदर क्या करेंगे हम वहां पर सबसे पहले वही डिड ले लेंगे, फिर अपना सब्जेक्ट ले लेंगे और फिर नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा हमारा ऑब्जेक्ट और उसके बाद लगा देंगे हम क्वेश्चन मार्क। सिंपल से हमारा बना इंटरोगेटिव और नेगेटिव से बना हमारा नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, थोड़ा थोड़ा चेंज करना है। अब इसका वाक्य देख लेते हैं हम, तो शुरू में क्या आएगा, जैसे क्या मैंने पत्र लिखा, इसमें बनेगा क्या मैंने पत्र नहीं लिखा, क्या मैंने पत्र नहीं लिखा और पीछे क्वेश्चन मार्क। अब इसकी बनाते हैं इंग्लिश, डिड आई नॉट राइट अ लेटर और अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब हम दूसरा वाक्य लेते हैं और उसी वाक्य को चारों प्रकार के जो सेंटेंस है उसमें कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद फिर आपको होमवर्क दिया जाएगा, अपने घर बैठे वही करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे चार वाक्य देख लेते हैं, ये सिंपल है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव नेगेटिव है। तो वह स्कूल गया इनके पास्ट का वाक्य है, तो क्या करेंगे हम सबसे पहले सब्जेक्ट लेते हैं हमारा ही, उसके बाद क्या आता है वर्ब, वेरी गुड, वेंट और कहां गया स्कूल, तो टू स्कूल और पीछे फुल स्टॉप, ही वेंट टू स्कूल, क्लियर है। उसके बाद वह स्कूल नहीं गया, यहाँ पे क्या ऐसा सिर्फ एक ही शब्द आया है नहीं, और नहीं को सिर्फ हम नोट नहीं लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज करेंगे और हेल्पिंग वर्ब जो डिड है उसके बाद कौन सी फॉर्म आती है, यस फर्स्ट ही डिड नोट, यहां पे वेंट सेकंड फॉर्म थी, फर्स्ट फॉर्म क्या बनेगी इसकी गो, यस Go to school और पीछे फुल स्टॉप। क्या वह स्कूल गया, यहां लेते हैं वह स्कूल गया, आगे क्या लगा है सिर्फ क्या, तो हेल्पिंग वर्ब को हम आगे ले लेते हैं, यहां से जैसे he went to school इसमें क्या बन जाएगा हमारा did he, और did लगा है तो कौन सी फॉर्म आएगी फर्स्ट, ये वेरी गुड, did he Go to school और पीछे क्या आएगा क्वेश्चन मार्क, वेरी गुड, क्या वह स्कूल नहीं गया, अब यहां से हमने किया था वह स्कूल नहीं गया तो आगे क्या लगाया है, तो हम यहां इस डिड को आगे ले लेते हैं बाकी सेम, डिड ही नॉट गो टू स्कूल और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, समझ आया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें, और जो बच्चे इसको जिसको समझ में आ गया है
कोई दिक्कत नहीं है, वो औरों को भी समझाएंगे और इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि पूरे भारतवर्ष के अंदर जितने भी बच्चे हैं जो टेंस मतलब जिनको नहीं आते हैं या कम आते हैं या बिल्कुल भी नहीं आते, तो आप उनके पास शेयर कीजिए ताकि वो भी देखें और आप ही की तरह वो भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करें। स्क्रीन पे हमारा नंबर शुरू में दिया जाता है, आप वहाँ पे कोई भी कमेंट कॉल कर पूछ सकते हैं। कभी भी 24 घंटे आपके लिए नंबर खुला है, आप कभी भी कॉल करो, आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। तो कल आपको जो मिलेगा पास्ट इंडेफिनिट हमने कर लिया है, कल को आपको मिलेगा पास्ट कंटीन्यूअस। तब तक के लिए बाय बाय।